हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे अंडा करी। बिल्कुल होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल, मस्त वाली कड़ी बनाने वाले हम। इस एग करी को बनाने के लिए बिल्कुल भी हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। जो हम घर में डेलीवेयर में जो मसाले यूज़ करते हैं, बस हम उन्हीं से एक स्पेशल सी, बढ़िया सी, बिल्कुल प्रोफेशनल सी हम अंडा करी बनाएंगे, जो देखने में भी टेस्टी होगी और खाने में तो होगी। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप खाएंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। और बिल्कुल ही सिंपल वे में बनाएंगे हम, बिल्कुल भी कोई तामझाम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी, लाजवाब बनती है। तो हमें इसे डेलीवेयर के मसालों में ही बना लेना है। तो हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप भी ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपकी कैसी बनी है। तो सबसे पहले ले लेंगे हम बॉयल एग। ये हमने अंडों को बॉयल करके ले लिया। इसमें कुछ डेलीवेयर के हल्के हल्के मसाले डालेंगे हम। तो हमने इसके ऊपर हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, गर्म मसाला और थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको मैरिनेट करके रख देना है कुछ मिनटों के लिए। तो ये अच्छे से कोट हो जाएंगे, इससे क्या होगा, इनका कलर बहुत अच्छा आएगा बनने के बाद। ये बिल्कुल वाइट वाइट से नहीं दिखेंगे। तो हमने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। हमें इनको डीपली फ्राई नहीं करना है। तो हमने सभी अंडों में ये थोड़े स्पून से छेद कर देने हैं। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो हम इनको स्पून से इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके अंदर तक इसका फ्लेवर चल जाए मसालों का। आप चाकू से भी कर सकते हैं इस तरह, और स्पून से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो हमने सभी में ऐसे कट लगा लेने हैं और फिर हमें इनमें तेल में इनको थोड़ा भून लेना है अंडों को, ताकि इनका फ्लेवर और भी अच्छा आए, बिल्कुल होटल स्टाइल जैसा। तो हमने इनकी स्किन का कलर चेंज करना है, बस गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम सेक लेंगे, बिल्कुल इन्हें डीपली फ्राई नहीं करेंगे। थोड़े से तेल में ये अच्छे से सिक जाते हैं और इनकी स्किन का कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें पका लेंगे अच्छे से। तो हम इन्हें अलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे हर तरफ से। तो देखिए हमारे अंडों का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो हम इन्हें अभी निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो हमने तेल को हटाते हुए सारे अंडों को निकाल लिया है एक प्लेट में। और हम ये कुछ अपने मसाले ले लेंगे, कच्चे मसाले, दो बड़े प्याज, दो टमाटर, ये कुछ हमने लाल मिर्ची और एक हरी मिर्ची ली है, लहसुन ली है। ये जो लाल मिर्ची है, ये हमारी जो हरी मिर्ची होती है घर में बड़ी बड़ी लाल हो जाती है, वही अलग से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास न हो तो आप न डालें, हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो हमने इनको अच्छे से भून लेना है मसालों को। जी हमने इन्हें प्लेट में डाल के ठंडा कर लेना है। 5-4 मिनट में ये आराम से ठंडे हो जाते हैं। फिर हमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लेना है। तो जब ये ठंडे हो जाए तभी आप इनको पीसें, गरम गरम इनको ना पीसें। तो ये ठंडे हो गए, हमने पीस लिए हैं। अभी इनमें करना क्या, हमें एक अंडा इसके अंदर डालना है और इसके अंदर डाल के अंडे को भी हमने पीस लेना है। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी ग्रेवी का टेस्ट बढ़ जाएगा और हमारी ग्रेवी भी होटल जैसी बिल्कुल ठीक ठीक ग्रेवी बनेगी। हमने खड़े मसाले डाले हैं, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा जीरा डाला है हमने। और इन्हें हम चटकने देंगे फिर मसालों को। फिर हमने जो हमारा मसाला पीसा था, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन वाला, वो इसमें ऐड करके हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। मसाले को आप अच्छे से भूने। तो ये हमने सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा जब हमारे मसाले भून जाए, फिर हमने जो दही वाला पेस्ट बनाया था वो बाद में डालना है। तो अभी हम नमक ऐड कर रहे हैं, हमने नमक नहीं डाला था अब तक। स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड करते हैं इसके अंदर। और थोड़ा सा इसको ढक के पका लेंगे हम, 2-3 मिनट के लिए हम इसको बॉईल होने देंगे अच्छे से।
तो ये देखिए हमारा मसाला ये पक चुका है अच्छे से। हमने इसे पहले भी पका लिया था, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पकने में। तो अभी हम ले लेंगे अपना वो दही वाला मसाला, मिर्ची, और जो हमने डिलीवरी के मसाले उसमें ऐड करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर दें वरना आपका मसाले फट सकते हैं, क्योंकि इसमें दही है तो मसालों के टच में दही फट जाती है। तो आप गैस को बंद ही कर दें और थोड़ा सा हम फूड कलर ले लेंगे इसको, प्यारा सा कलर देने के लिए, बिल्कुल होटल स्टाइल कलर देने के लिए हल्का सा पीच कलर डालेंगे। तो होटल स्टाइल बना रहे हैं तो थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं हम इसमें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और इसको ढक के पकने देंगे अच्छे से, तो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी। तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, अपनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो जितनी आपको थिकनेस रखनी है ग्रेवी की, उसमें पानी ऐड करके आप उसको उबलने दें 2 मिनट के लिए। जब ये 2 मिनट के लिए उबल जाए तो हम इसे अपने अंडे ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पहले इनको बहुत अच्छे से पका लिया है। अभी इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इन्हें ग्रेवी में सारे कोट कर देने हैं अंडे। अच्छे से कोट करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, ताकि हमारे सारे अंडों में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और अंदर तक उनका फ्लेवर चला जाए। तो देखिए हमारे अंडे एकदम रेडी हो गए हैं बनकर, बिल्कुल होटल स्टाइल, और उनका कलर देखिए कितना शाइन कर रहा है। अच्छे से हमारी सब्जी पक चुकी है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर भी आया है। तो अगर आपको भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप ट्राई ज़रूर करिए, खाने में बहुत ही टेस्टी।